अभी हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आईटी सेल यूं कहें जो यह ऐसा रूम है जहां से पूरी बीजेपी आईटी सेल का मॉनिटरिंग होता है, यूं कहें इसे हम वार रूम भी कह सकते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग के लेकर के किस तरह से पूरा बिहार का कैंपेनिंग होती है इस रूम में है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए मेरे पीछे तस्वीर है, यहाँ पे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण सब बाइज करके यहाँ पे जो है प्रत्याशी है उनका नाम है, नाम के साथ साथ वहाँ कब चुनाव होगा वो लिखा हुआ है और उस जगह का मैप बनाया हुआ है। मेरे पीछे इधर भी ये सब टोटल आप देखेंगे, जो भी पेज देखेंगे ये कोई ट्विटर खोल के बैठे हुए हैं बीजेपी का, तो कोई फेसबुक खोल के बैठे हैं या कोई अन्य पेज खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ से टोटल बिहार का यूँ कहें जो मॉनिटरिंग होता है, किस तरह आईटी सेल को काम करना है, किस तरह से सोशल मीडिया में चीज़ों को पब्लिश करनी है, उसका यहाँ पे काम होता है। आते हैं हमारे साथ जो आईटी सेल जो पूरा बिहार प्रदेश का है उसका संयोजक है मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी से बात करेंगे। मनीष पांडे जी बताइए, जो आप लोग कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस आईटी सेल को, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो आप अभी भी सिस्टम पे खोल के कुछ कर रहे हैं, तो इसको मॉनिटरिंग किस रूप में कर रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा बताइए। हाँ, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नामांकन था तो उसकी सीधी तस्वीरें आज हमारी टीम वहाँ गई हुई है और वहाँ से सीधी तस्वीरें लाइव हो रहा है हमारे बीजेपी बिहार के पेज पर, उसको हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और संगठन बीजेपी के संगठन के हिसाब से हमारे 45 जिले हैं और इन सारे 4500 जिलों में आईटी सेल का हमारा संगठनात्मक ढांचा है, जिसमें जिला के संयोजक हैं, मंडल के संयोजक हैं, उनकी पूरी टीम, संगठनात्मक टीम बनी हुई है। वो इन सारी चीज़ों को जो हम लोग यहाँ से लेते हैं उसको वो फॉलो करती है, जिले की टीम, मंडल की टीम, यहाँ तक कि बूथ स्तर तक की जो हमारी टीम है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करती है। और आज जैसे संकल्प पत्र अपना जो है आज घोषणा हुआ, घोषित हुआ, तो उसकी लाइव सीधी तस्वीरें जो आई हमारा बीजेपी नेशनल पेज से, उसको हमने बिहार के पेज पर शेयर किया और फिर नीचे तक उसको पहुंचाना। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए मनीष पांडे थे। एक एक चीज़ें जो उसकी खासियत हैं, जो संकल्प पत्र की जो विशेषता रही है, 5 वर्षों के सरकार के जो कामकाज रहे हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम तक, नीचे तक जितने भी यूजर्स हैं सोशल मीडिया पर, जितने यूजर्स हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पे, इन उनको वहाँ तक पहुँचाना, उन चीज़ों को, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में बिहार के अंदर बहुत इतने ज़्यादा यूजर्स हैं। मनीष जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग कैसे कैंपेनिंग कैसे करते हैं, मतलब कैंपेनिंग करने का जो आप लोगों का है, जैसे कि चुनाव में आप लोगों की क्या भूमिका है, ये वार रूम से आप कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक एक लोकसभा में 3-3 लाख, 4-4 लाख लोग लगभग हम लोगों से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से, फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फोन नंबर के माध्यम से सीधा हो, वो हमारे संपर्क में है। सभी लोकसभा में किसी में 1.5 लाख है, किसी में 3 लाख है, इस प्रकार से हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक कनेक्टिविटी स्थापित करना, उनके साथ इसके माध्यम से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी विशेषताओं को उन तक पहुंचाना। ये लोग सिर्फ हमारे वर्कर नहीं हैं, ये हमारे सपोर्टर हैं, हमारे फॉलोअर हैं, मोदी जी के फैंस हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं। तो इन लोगों तक जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो सारे लोग हमारे काम के चीज़ हैं और हम उन लोगों तक कैसे अपनी पहुंच बना पाए, यही इस डिपार्टमेंट का मुख्य रूप से काम है। तो मतलब कैसा, अभी कैसे फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। देखिए, अंडर करेंट बहुत अच्छा है, लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, एक विश्वास लोगों का आता है, चूंकि जो पोस्ट हम लोग डालते हैं उस पोस्ट पे जो कमेंट्स आते हैं वो सारे कमेंट्स, मैक्सिमम कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, आते हैं, तो वो कमेंट्स उन सिविलियंस का है जो किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, जो आम जनता है, आम नागरिक है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, फेसबुक यूजर्स हैं, व्हाट्सएप यूजर्स हैं, तो ऐसे लोगों का कमेंट जो आता है, जो हम लोग देखते हैं, वो बहुत फेवर का है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स है, तो ये एक अच्छा सिम्टम है आने वाले लोकसभा चुनाव के। आप लोग इन्हें फिर कहां तक, ऊपर जो मैसेज है, जो कमेंट होता है, उन्हें कहां तक पहुंचाते हैं, क्या आगे क्या करते हैं?
नहीं, मैं उन चीज़ों पे कई रिसर्च टीम भी हमारे पास है, फीडबैक टीम्स हैं जो फीडबैक लेती है, जो पोस्ट हम डालते हैं उसका फीडबैक कैसा आता है, तो उस फीडबैक के माध्यम से हम ये देखते हैं कि लोगों का रुझान क्या है। उस पर बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, सिर्फ पोस्ट डाल देने से ही हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारा उसके ऊपर काम करना पड़ता है हर चीज़ों का। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में नहीं रख सकते चूँकि हमारी ये स्ट्रेटजी है, बट उस पर हम काम करते हैं और किस पोस्ट पे, किस लोकसभा पे किस प्रकार का ओपिनियन आ रहा है, एक प्रकार का वो सोशल मीडिया पे हम लोगों का चुनाव का सर्वे भी है, तो वो भी हम लोगों के पास निकल के आ जाता है कि एक ऐसा फीडबैक कहाँ से किस इलाके से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करना और फिर कहाँ सुधार की ज़रूरत है उस पर सुधार करना, ये सारा काम है। कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है चुनाव के दृष्टिकोण से भी और लोगों से जुड़ने का भी। सोशल मीडिया उस हिसाब से अगर हम देखें आम दिनों में तो फेसबुक लोग मन को बहलाने के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप मन को बहलाने के लिए यूज़ करते हैं, बट चुनाव के दृष्टिकोण से यह इतना अच्छा टूल्स है कि आप जनता के साथ सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, जनता की राय सीधा आप ले सकते हैं, पा सकते हैं, किसी कैंडिडेट की क्या खामियाँ हैं, उसकी क्या कमजोरियाँ हैं, किस सेक्टर्स में वह नहीं जा पा रहा, नहीं घूम पा रहा, किस क्षेत्र में वह नहीं गया है, वो सारी जानकारियां हम सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ले लेते हैं। आईटी सेल संयोजक हैं और खास करके पूरा बिहार प्रदेश आईटी जो है यही मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल वार रूम में मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कंपेनिंग के दृष्टिकोण से बनाया गया है और यहाँ से तमाम तरह की जो सोशल मीडिया की चीज़ें होती हैं, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसे हैंडल किया जाता है और इसका फीडबैक ऊपर तक दिया जाता है। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये इलेक्शन कैंपेनिंग का वार रूम आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनिशु झा, अजय भारत।